यहाँ पर बे का नुक्ता बनाना ही हो। अब बे को बे के साथ हमने यहाँ पर ऐड करना ही हो। ये मार्कर के साथ हम लिख रहे हैं पहला बे दूसरे बे के साथ कैसे ऐड करना है। बच्चे अक्सर यूँ लिख देते हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसे लिखें, ऐसे ना लिखें। जैसे लफ्ज़ उर्दू का तहजीब लिखते हैं, असल लफ्ज़ ये है। यहाँ पर हमने ऐसे गोल करके इसको ये के साथ ये बे का सिरा है। इस बे के नीचे हमने बे का नुक्ता लगाना है। ये इस बे के सिरे के साथ अलिफ को ऐड करना है। ये बज़ाहिर एक लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को आम मार्कर के साथ लिखें तो ये सिर्फ एक लफ्ज़ बे अलिफ बा नहीं है। इस एक लफ्ज़ को लिखने और सीखने से ये बे अलिफ बा बन जाएगा। लफ्ज़ ये बे का सिरा है, इसको हमने अलिफ के साथ ऐड करके ये बनाना है कि इनके साथ कौन कौन से लफ्ज़ बन सकते हैं। यूँ एक ही लफ्ज़ से इस बे के सिरे को अलिफ के साथ ऐड किया है। अल्फाज सीख रहे हैं, ये अब इसके साथ सिर नुक्ते ऊपर नीचे करेंगे, ये से अलिफ सा बन गया और ये एक नुक्ता लग ठीक लिख रहे हैं बे अलिफ बा। और अक्सर बच्चे यूँ कर देते हैं, यूँ कलम को गलत पकड़ के। अब इनमें ये दुरुस्त है और ये ठीक नहीं है, आपने ऐसे नहीं लिखना।